तो हे गाइस, मैं हूं के जेड। आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट के बारे में, रिव्यू करेंगे। यहां बस देख सकते हैं, यहां जो हम प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे वो आपका 3 LED हैंड हिल मैग्नीफायर ग्लास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम मैग्नीफायर ग्लास के बारे में बात करेंगे। यदि हम लोग शुद्ध हिंदी में बात करें तो पावर कांच जिसको बोलते थे हम लोग बचपन में, ठीक है। तो उसी प्रोडक्ट को हम आज देखेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, प्राइस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा और बताऊंगा आप कहाँ से इसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इस एक्चुअल में कहाँ कहाँ यूज़ होगा और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 LED हैंड हेल्ड मैग्नीफायर ग्लास है। और यदि हम लोग साइज़ की बात कर लें तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 45x22 mm की यहाँ पर है इसकी साइज़ है, और 3x75 mm की इसकी हाइट विड्थ के बारे में बता रहा है। एक्चुअल में इसकी ग्लास की जो हाइट विड्थ है उसके बारे में और ओवरऑल साइज़ के बारे में इसका बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो हम इस मैग्नीफायर ग्लास को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो है वो सब चीज़ हम लोग इसको रिव्यू करके। तो देख सकते हैं कि मैग्नीफायर ग्लास आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरीके से मैग्नीफायर ग्लास दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं एक्चुअल में कहाँ कहाँ काम आएगा। ठीक है, इस प्रोडक्ट का यूज़ अपने अपने जगह पे अलग अलग यूज़ है, आप इसको अपने किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले एग्जांपल में ही आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन रेंज है आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इसके बात कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो इसकी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, यहाँ पर 3 LED लैंप है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 LED लैंप है और विथ LED हैंडहेल्ड मैग्नीफायर है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ज्वेलरी इवेल्युएशन के लिए, मतलब इसके अंदर जो है ना 3 लैंप दिया हुआ है, मतलब ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 लैंप्स दिया हुआ है, मतलब रात में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट LED लाइट दिया हुआ है, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये बता रहा है कि LED हैंड मैग्नीफायर, मतलब LED यहाँ पर लाइट दिया हुआ है और उससे रात में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो जूमिंग क्वालिटी है वो करीबन आपका 45x जूमिंग क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी जूमिंग क्वालिटी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसकी जूमिंग क्वालिटी, सब चीज़ कितना प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी जूमिंग क्वालिटी आप देख सकते हैं, और इसकी यूजेस अलग अलग जगह है, अलग अलग पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ है। ठीक है, यहाँ पर पहला जो यूज़ बताया गया है, देखिए यहाँ ज्वेलरी इवेल्युएशन के लिए। ठीक है, ज्वेलरी शॉप में आप देखे होंगे कि इसका काफ़ी यूज़ है, सोना को काफ़ी जाँच परख कर, मतलब मैग्नीफाइड के थ्रू जाँच परख कर ही वो लोग लेते हैं या फिर अपने पास रखेंगे। ठीक है, देखते हैं ना वो यूज़ करते हैं वहाँ मैग्नीफायर को। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 LED लाइट्स भी मिलेंगे, देख सकते हैं LED लाइट्स मिलेंगे, और यहाँ पर आप सिंपली तरीके से LED लाइट का यूज़ करके और रात में भी आप कोई चीज़ को रीड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर बैटरी इंसर्ट करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं बैटरी इंसर्ट करना पड़ेगा, दो बैटरी यहाँ पर लगेगा आपको, सॉरी 3 बैटरी लगेगा और आपको इंसर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप रात में भी आप सिंपली तरीके से इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन दबाएंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे, उसके बाद यहाँ से देखिए लाइट LED चलने लगेगा और रात में भी आप रीड कर सकते हैं इस मैग्नीफायर का यूज़ करके। ठीक है, और इसकी जूमिंग क्वालिटी जो है 45x की जूमिंग क्वालिटी है। ठीक है, और इसके हम यूजेस की बात करें, देखिए मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है इसका, कॉइन में भी किया जाता है, स्टाम्प में भी यूज़ किया जाता है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी अपीयरेंस में भी आपको यूज़ करता है, जियोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो देखिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु को एकदम जूम करके देखते हैं, एक्चुअल में उसकी बारीकी को परखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है जियोग्राफी में। ठीक है, होम एंड ऑफिस में भी जनरली यूज़ कर लिया जाता है, फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, एजुकेशनल पर्पज़ में जैसे आप कोई बुक को रीड करना चाहते हैं, कुछ छोटे वर्ड्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आप रीड कर सकते हैं। देखिए बुक्स वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप रीड करने के लिए, तो कुछ छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होगा, कुछ ऐसी वस्तु है जो पुरातत्व विभाग से या फिर पुराने ज़माने की कुछ ओल्ड ज़माना का कुछ भी प्रोडक्ट हो उसको भी जूमिंग करने के लिए इसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर, तो फिलहाल तो इस वीडियोस में इतना ही है इसमें, देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अलग अलग यहाँ प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, मेडिकल्स में भी यूज़ किया जाता है। ठीक, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है इस मैग्नीफायर की, आप देख सकते हैं करीबन ये आपका 200-250 ग्राम तक है
ठीक है, 200-250 ग्राम तक आपका ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। देखिए स्टाइलिश प्रोडक्ट है, काफ़ी मोटी लेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मोटी लेंस है, और इसका यूज़ आप अच्छे से कर सकते हैं अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी। ठीक है, ये मैग्नीफायर ग्लास यदि हम लोग इसकी प्राइस की बात कर लें तो मैग्नीफायर ग्लास जो इसकी प्राइस है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों में अलग अलग फ्लक्चुएट होता है, अलग अलग सेलर अलग अलग रेट में देते हैं। मैंने इससे 250 रुपये में बाई किया है फ्लिपकार्ट से। ठीक है, अमेजोन में भी वही रेट दिखा रहा है, कहीं पर कुछ ज़्यादा रेट दिखा रहा है, कुछ सेलर अलग रेट पर बेच रहा है, लेकिन मैंने इसे 250 रुपये 250 रुपीज़ में बाइस किया है। ठीक है, इसे ठीक है, तो आप इस मैग्नीफायर का यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीफायर बहुत ही बड़ी मैग्नीफायर है, आपको दिख रही होगी कैमरा के अंदर थोड़ी सी, लेकिन देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ी मैग्नीफायर है। ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है बेहतरीन क्वालिटी है, आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, या फिर कोई भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।